सेक्स बिफोर मैरिज। पहले ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है कि मुझे लगा कि इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अभी ये जो टॉपिक है टैबू बनता जा रहा है कि शादी से पहले सेक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए ना, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, लिटरली हेल्प करने वाली है। देखिए, अभी मैं जब घर आ रहा था ऑफिस से, तो रेडियो पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैंने कुछ सुना। क्या सुना? कि एक लड़के की एक लड़की से एंगेजमेंट हो जाती है, शादी पक्की हो जाती है। अब जब लड़का लड़की बात करना शुरू करते हैं तो लड़का बातों में पूछता है, क्या तुम वर्जिन हो? और लड़की बोल देती है नहीं। जैसी बोलती है लड़की नहीं, वो लड़का उससे बात करना बंद कर देता है। बंद करने के बाद वो उसके मां बाप को बोलता है कि तुम्हारी लड़की वर्जिन नहीं है, इसलिए मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं। और अब लड़की की बेइज्जती हो जाती है। अब जब लड़की की बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि ये FM पे आ रहा था, तो लड़की एक आरजे को कॉन्टैक्ट करती है, आरजे को बताती है कि उसकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है। अब वो जो आरजे है, वो जहां पे एंगेजमेंट हुई है उसकी साली बनके, वुड बी साली बनके बात करती है। और बात क्या करती है, बातों बातों में निकलवा लेती है, अरे तुम भी तो बैंकॉक गए थे। वो लड़का बोलता है नहीं नहीं मैं बैंकॉक नहीं गया। तो वो कहता है भाई तू भी तो खेला खाया है, तू कैसे बोल सकता था उस लड़की को कुछ भी। अब यहां पे मैं कुछ भी जो बोलूंगा ये आपके भले के लिए बोलूंगा, बड़े ध्यान से समझना। देखिए 80% लड़के, जब हम बॉयज की बात करते हैं, आज की डेट में 80% लड़के वर्जिन होते हैं इंडिया के अंदर खासकर। अब आपको लगेगा कि यार ये कौन से स्टैट से आप बात कर रहे हो 80%। मैं एक एवरेज ले लेता हूं, अगर मेरे 100 दोस्त हैं तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 100 के एग्जांपल से बात कर रहा हूं, ये जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। ये ज्यादा कम हो सकता है, तो ये कोई प्रूवन रिसर्च नहीं है। तो रिसर्च अगर आपको नेट में मिल जाए तो आप नीचे कमेंट में शेयर कर देना। और मुझे ऐसा लगता है कि 80% से ज्यादा लड़कियां वर्जिन भी होती है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये एक हाइपोथेटिकल भी मान लेते हैं, फिर भी कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूं वो एग्जांपल ज्यादा काम का है। अब मान लेते हैं 20% लड़के वर्जिन नहीं है, और ये भी मान लेते हैं कि 20% लड़कियां वर्जिन नहीं है। वर्जिन वो इंसान होता है जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। अब देखो यहां पे गड़बड़ क्या शुरू होती है, ये जो लड़के हैं जिन्होंने जो वर्जिन नहीं है, अब ये क्या चाहते हैं ज्यादातर लड़के, क्या चाहते हैं आप सुनोगे, देर आर सो मेनी इंटरव्यूज ऑल्सो, बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसी बातें भी होती हैं कि इन लड़कों को लड़कियां चाहिए होती हैं वो जो वर्जिन है, जबकि ये वर्जिन नहीं है। और जब बात आती है कि इनकी अगर किसी ऐसी लड़की से शादी हो जाए जो वर्जिन नहीं थी, और वो ऐसा बोल दे कि मैं वर्जिन नहीं हूं, तो यहां से गड़बड़ हो जाती है। मैंने बोला ना टैबू है, बट एक बात जरा सोचिए, ये अगर लड़की बोल दे मैं वर्जिन हूं, तो इस लड़के को कैसे पता लगेगा? आप कहोगे जी हाइमन से पता लग जाता है, गलत। 50% केसेस में क्या देखा जाता है, ये जो वर्जिन लड़कियां भी हैं, यहां पे भी बात करेंगे, जो हाइमन है वो स्पोर्ट एक्टिविटीज से ब्रेक हो जाती है 50% केसेस में, चलो रहती भी है। बट अगर हाइमन नहीं भी है और लड़की बोल रही है मैं वर्जिन हूं, भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? व्हाट यू कैन से, व्हाट यू कैन डू नथिंग। तो उस लड़की को उसके नेचर के लिए, उसकी पर्सनालिटी के लिए प्यार करो ना। ये वर्जिन है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मेरा मानना है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा जो मैं मानता हूं वो आप मानो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप अपना दिमाग लगाओ, वट एवर यू थिंक इज राइट दैट इज राइट, क्योंकि जो आप सोच रहे हो सबकी रियलिटी अलग अलग होती है। जब हम लीगल इलीगल की बात करते हैं, अगर हम इलीगल की बात करें कि सेक्स बिफोर मैरिज इलीगल है, तो ऐसा नहीं है। 18 प्लस, अगर आप 18 साल से ऊपर हो, यू हैव अ राइट टू चूज अ पार्टनर। और उसके बाद अगर आप इन्वॉल्व भी हो तो ऐसा नहीं है कि कोई रोक लेगा आपको। हाँ, अगर हिंदू मुस्लिम का सीन है और ज्यादा उसमें कुछ हो सकता है, तो बहुत सारी अलग अलग फिर लीगल डेफिनेशंस वहां से शुरू हो जाती हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट यहां पे 18 प्लस आप हो तो यू आर सेक्सुअली प्रिपेयर्ड, एक्चुअली योर बॉडी इज सेक्सुअली प्रिपेयर्ड। बट जब हम मॉरली बात करते हैं, भाई शादी से पहले सेक्स इज नॉट राइट, बिकॉज आप शादी क्यों करते हो? आप शादी करते हो क्योंकि आप साथ में रह सको, आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हो वैसे जी सको, आप आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए सेक्स इज रिक्वायर्ड। तो शादी के बाद मानते हैं कि भाई अगर लड़का लड़की ब्याह गए तो फिर वो मॉरली ठीक हो जाता है, सोसाइटी के हिसाब से ठीक हो जाता है। और अब मैं आपको एक अपनी भी एडवाइस दूंगा, बड़े ध्यान से समझना, आप सेक्स क्यों करते हो? क्यों करते हो सेक्स? प्लेजर के लिए। अब लोग कहते हैं जी प्लेजर तो भाई दारू पीने से भी मिलती है, मैंने तो आज तक नहीं पी, बट मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं तो बहुत खुश रहता हूं। अगर आप खुशी के लिए सेक्स करते हो तो क्या इस खुशी को कंट्रोल किया जा सकता है? जो लोग अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, वो जिंदगी में कुछ भी बन सकते हैं। और ये मैं नहीं बोलता, ये हमारा एंशियंट विजडम बोलता है।
अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को पढ़ोगे तो यहां पे सारा का सारा जो खेल है ना वो इस चीज के ऊपर रहता है कि हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करें। जिस इंसान ने अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, वो कुछ भी पा सकता है। तो यहां पे अगर ये डिजायर आ रही है सेक्स की, इसे कंट्रोल करने से आपकी एक्चुअल में विल पावर बढ़ जाती है और आप कुछ भी कर सकते हो। यहां पे बहुत सारी और भी साइंटिफिक चीजें हैं, जैसे सीमन कंट्रोल की बात करते हैं तो ये सीमन कंट्रोल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। बट अब हम सेक्स प्लेजर के लिए करते हैं भैया, डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है और डोपामिन तो व्हाई डज नॉट ओके डोपामिन तो चाहिए, हमें डोपामिन चाहिए। डोपामिन मिलेगा तो हम बड़ा प्लेजर फील करेंगे। चॉकलेट खाने से भी डोपामिन मिलता है, टीवी देखने से भी मिलता है, बियर पीने से भी मिलता है, सिगरेट पीने से भी मिलता है, बट ये सारी चीजें आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप उसे कंट्रोल करते हो तो दैट इज राइट, बट मैं नहीं कहता सेक्स बेकार है, बिल्कुल नहीं। आपको अगर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है दैट इज रिक्वायर्ड, बट वेन ये बड़ा जरूरी है। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा ये शादी से पहले ठीक है, शादी से पहले गलत है। मैं ये बोलूंगा ये तब ठीक है जब आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो आपको लगता है कि भैया मुझे इससे शादी करनी है और मुझे इसके साथ लाइफ टाइम रहना है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ ये समझते हैं कि यस मेरी जिंदगी अब इसके साथ है, मुझे इसके साथ रहना है लाइफ टाइम, तब वहां पे इट कुड बी राइट। अगेन सबकी रियलिटी अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग है, बट आप कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता है तो वाई नॉट टू वेट फॉर सम टाइम, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो एडवेंचर बढ़ जाएगा आपका, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपने कंट्रोल किया। इफ यू कंट्रोल, देखो अभी हमने जब पैसे कमाने की बात करी थी, हमने कंपाउंडिंग की बात करी थी, हमने बोला था कंपाउंडिंग होती है, टाइम लगता है, सालों लगते हैं, और फिर जब आपको गेंस मिलते हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो थोड़ा रुकने से अगर आपका जो प्लेजर है वो मल्टीप्लाई हो सकता है तो क्यों ना करें। और देखो जब दुनिया उसे गलत मानती है, ठीक है, देखो अगर मेरी इस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज रात को क्लब जाना है, दारू पीनी है, लड़कीबाजी करनी है, भैया मेरे वीडियो से फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों को, उन्हें जो करना है वो करेंगे, बट कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा। और उन कुछ लोगों को अगर फर्क पड़ता है और वो ये समझते हैं कि यस वी कैन कंट्रोल आवर प्लेजर फॉर सम टाइम, एंड इन फैक्ट इफ यू आर इवन नॉट वर्जिन, मैंने आपको बोला अगर आप किसी को बोल दोगे आई एम वर्जिन, भाई देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो वे समबडी कैन प्रूव दैट। एंड यहां पे और यहां पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं यही की बात बोलूंगा, फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो इंसान कैसा है। तो आप यहां पे टैबू मत बनाओ। पार्टनर डेफिनेटली अगर आपको ऐसा मिल जाता है जिसके साथ आपको लगता है यस लाइफ टाइम जीना है, बट जब हमें बड़े यंग एज में ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं, जब हम 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के होते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हो। आपको लगता है यही मेरे सब कुछ है, यही लड़की मेरी सब कुछ है। होता क्या है, हमें जब भी कोई पार्टनर मिलता है हमारे सर्कल से मिलता है। आपके सर्कल में 50 लोग हैं, 50 लोगों में से आप एक लड़का या लड़की को चूज कर लेते हो, आप ऑनलाइन कोई लड़का या लड़की को चूज कर लेते हो, आपको लगता है यही मेरी दुनिया है। आप बहुत छोटा सोच रहे हो, आप कुएं के मेंढक हो यार। दुनिया कितनी बड़ी है, 130 करोड़ से ज्यादा लोग तो आपको इंडिया में मिलते हैं, आपने देखी कितनी है दुनिया। तो अगर आप ये सोचते हो बड़ी छोटी उम्र में भैया मुझे स्कूल में जो लड़की मिली या क्लास में जो मिली या कॉलेज में जो मिली या मेरे ट्यूशन में जो मिली या जो लड़का मुझे मिल गया या मेरे को जॉब में जो मिल गया वही मेरा सब कुछ है, आप बहुत छोटा सोच रहे हो। There can be somebody else for you. But ठीक है, देखिए अगेन यहां पे सेक्स इज नॉट अ बिग इशू। जो सेक्स है बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सेक्स है बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बट इफ इट इज राइट और नॉट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी अपनी साइकोलॉजी कैसी है। आप इसे गलत मानते हो तो ये गलत है, अगर आप इसे सही मानते हो तो सही है। बट yes, अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपको लगता है कि ही इज माई एवरीथिंग, तो आप उसे थोड़े टाइम के लिए अपने प्लेजर को कंट्रोल करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब आपको क्या लगता है कि सेक्स शादी से पहले ठीक है या गलत है, आप नीचे अपनी राय जरूर बताना कमेंट में। लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा आप सबकी राय पढ़ के। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, इसे शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे कि सेक्स बिफोर मैरिज इज राइट और नॉट। एंड जैसे मैंने बोला लड़कियों के लिए टैबू हो जाता है, तो उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इफ यू विल शेयर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से यूथ अवेयरनेस के ऊपर अगर आप चाहते हैं हम और वीडियोज बनाएं तो आप नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। YouTube पे देख रहे हो वीडियो को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो, Facebook पे देख रहे हो फॉलो करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।